सो हे गाइस, इस वीडियो में हम आपको कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना बताएंगे जो कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। तो ऐसा एडिटिंग करना बहुत ही इजी स्टेप से बताएंगे, तो बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, इसके लिए जो आपको इस वाले बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में ऐड कर लेना है। सभी मटेरियल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। एंड उसके बाद जो नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको एड फोटो का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से जो है इस वाले PNG को आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर लेने के बाद आपको जो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। एंड उसके बाद जो ऊपर इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम हार्डनेस को जो पूरा मैनेज कर देते हैं, साइज को कुछ इस प्रकार से 25% रख लेना। एंड उसके बाद जो आपको कुछ इस प्रकार से इरेज कर लेना, ठीक है। हल्का सा साइड साइड में भी इरेज कर लेना है, जिससे कि हमारा जो स्काइप है मर्ज हो जाए। उसके बाद ये साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड इतना कर लेने के बाद ये फिर से आपको डन कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से ऐड वाले फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जो अपने फोटो को ऐड कर लेना है, जो भी फोटो का आप एडिट करना चाहते हैं उसको जो आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पर ऐड कर लेने के बाद इसका जो बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए ऊपर इरेज वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से जो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको पर्सन पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से देख सकते हैं ये क्लिक में जो है हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आपको जो कुछ इस प्रकार से अच्छे से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। एंड इतना कर लेने के बाद जो ये साइन वाले ऑप्शन पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। देन गाइस, इतना कर लेने के बाद फिर से आपको एड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड आपको जो PNG को फिर से आपको ऐड कर लेना है। एंड इसको ऐड कर लेने के बाद आपको जो कुछ इस प्रकार से इसको बड़ा कर लेना है। एंड इसको जो कोने में कर लेना है। एंड ऊपर जो डुप्लीकेट इसको कर लेना, ठीक है। एंड इसको जो क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जो है इसको रोटेट पे क्लिक करके आपको इस वाले साइड के हिसाब से कर लेना, ठीक है। एंड इसको जो आपको कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना। एंड ये साइन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। एंड इतना कर लेने के बाद जो फिर से आपको एड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ से जो है आपको एक PNG को और ऐड करना है, एक PNG को। एंड इसको जो है आपको कुछ इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेने के बाद जो है साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। एंड इतना कर लेने के बाद फिर से आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद जो है आपको एक और PNG को ऐड कर लेना है। एंड यहाँ पे इसको ऐड कर लेने के बाद जो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लेना है। एंड इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से जो बाकी पार्ट को यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से इरेज कर लेना है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इरेज कर लेने के बाद ये साइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर से साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जी और PNG को ऐड कर लेना है, टेक्स्ट वाले PNG को, ठीक है। यहाँ से आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पे ऐड कर लेने के बाद इसको जो आपको कुछ इस प्रकार से बड़ा करके आपको जो यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, ठीक है। ये साइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। एंड इतने कर लेने के बाद फिर से आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो और PNG को ऐड कर लेना है। एंड इसको जो आपको कुछ इस प्रकार से छोटा करके आपको जो इसको कोने में कर लेना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको करके यहाँ पर जो आपको कोने में कर देना है। क्लिक के बाद ये साइन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। एंड फिर से आपको एक फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जो और PNG को ऐड कर लेना है। यहाँ पे जो इसको ऐड कर लेने के बाद आपको जो कुछ इस प्रकार से इस साइड वाले कोने पे आपको रख के ओपेसिटी को हल्का सा कम कर लेना है, लगभग 60 के आसपास रख लेना है। एंड इस साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एंड इतना कर लेने के बाद देख सकते हैं ये जो हमारा फोटो बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करके आपको जो वीडियो को डाउनलोड कर लेना है।